नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भैंसदई प्रसिद्ध केरपानी हनुमान मंदिर में ऋषि पंचमी पर भक्तों ने किए भगवान हनुमान के दर्शन, ताप्ती में किया स्नान। भैंसदई से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केरपानी हनुमान मंदिर में कल ऋषि पंचमी के अवसर पर भक्तों के द्वारा प्रसिद्ध केरपानी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया गया। ऋषि पंचमी के अवसर पर ताप्ती नदी के स्नान करने के बाद लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए। इस दिन मान्यता है कि श्रद्धालुओं द्वारा ऋषि पंचमी के अवसर पर भगवान हनुमान के सामने मनोकामना मांगने से उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। बैतूल दीवान चारसी निवासी एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते लगाई फांसी, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम दीवान चारसी का है, जहां पर दीवान चारसी के निवासी इमरत नाम के एक व्यक्ति ने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। जब इसकी सूचना परिजनों को लगी तो परिजनों ने 10 सितंबर दिन शुक्रवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे जिला अस्पताल उसे लेकर गए, जहाँ अगले दिन शनिवार को सुबह जिला अस्पताल में डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद अस्पताल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बैतूल नेशनल लोक अदालत में दो जोड़ों ने जिला न्यायाधीश के सामने एक दूसरे को पहनाई माला। बैतूल की नेशनल लोक अदालत में कल 11 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर में आए बहुत से मामलों में कुटुंब न्यायालय में दो विवाहित जोड़ों में राजीनामा हुआ। दोनों ही जोड़ों ने जिला न्यायाधीश के सामने एक दूसरे को माला पहनाई। चोपना निवासी एक जोड़ा 2 सालों से अलग रह रहा था, वहीं बैतूल निवासी दूसरा जोड़ा 4 माह से अलग रह रहा था। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश ने बताया कि अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में विवाद होने के बाद अलग रहने लगते हैं, ऐसे में कुटुंब न्यायालय ऐसे परिवारों को जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। बैतूल डीजे संचालकों ने मौन रैली निकालकर 2 टॉप और 2 बेस चलाने की करी मांग, SDM बैतूल को सौंपा ज्ञापन। बैतूल जिले में कल डीजे संचालकों ने वाहनों पर डीजे बांधकर मौन जुलूस निकाला। डीजे संचालकों ने सैकड़ों की संख्या में अपने वाहनों पर निकलकर शहर भर में रैली निकाली। कल 11 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचे और SDM CL चनाब को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। डीजे संचालकों ने मांग की है कि उन्हें डीजे बजाने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें डीजे बजाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है, ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। बैतूल गोकुलधाम सोसाइटी में कार खड़ी करने को लेकर हुई मारपीट, गंज थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों के खिलाफ किया अपराध दर्ज। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले कालाभाटा इलाके की गोकुलधाम सोसाइटी का है, जहां पर कार खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट भी हो गई। इसमें पुलिस ने आदित्य भार्गव की शिकायत पर बबलू और दिलीप खुराना के खिलाफ शिकायत दर्ज करी, वहीं पुलिस ने बबलू और दिलीप खुराना की शिकायत पर आदित्य भार्गव के खिलाफ शिकायत दर्ज करी। शिकायत दर्ज कर दोनों पक्षों का मेडिकल करवाया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मुलताई के साउंड और डीजे व्यापारियों ने अपने व्यापार की परमिशन को लेकर मौन जुलूस निकाला, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैतूल में कल मुलताई से डीजे साउंड और साउंड व्यापारियों के द्वारा बैतूल पहुंचकर कोठी बाजार से मौन रैली निकाली गई, जिसके बाद यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए व्यापारियों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से डीजे और साउंड व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया है, जिसके चलते मुलताई के साउंड और डीजे व्यापारियों ने कल बैतूल पहुंचकर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपने व्यवसाय को पुनः चालू करने के लिए परमिशन मांगी है। गेहूं की कोठी के नीचे दिखा 4 फीट का कोबरा सांप, मची अफरा तफरी। मामला बैतूल बाजार से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बयावाड़ी गांव का है, जहां पर एक किसान दिलीप पवार के घर में गेहूं की कोठी के नीचे सांप दिखने की सूचना मिलते ही घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद
मुलताई के सर्प मित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने बैतूल बाजार के ग्राम बयावाड़ी पहुंचकर तकरीबन 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करके इस 4 फीट के कोबरा सांप को पकड़ लिया। घटना तकरीबन सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। कोबरा सांप का रेस्क्यू करने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मुलताई नियमों पर भारी पड़ी आस्था। ऋषि पंचमी पर ताप्ती किनारे सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं ने किया स्नान और पूजन। ऋषि पंचमी में उस समय सभी नियम धरे के धरे रह गए जब शनिवार सुबह से ही ऋषि पंचमी के अवसर पर पूरे क्षेत्र से श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र ताप्ती सरोवर में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ी। ऋषि पंचमी पर व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करने की मान्यता के चलते ताप्ती सरोवर में भी पूरे दिन श्रद्धालुओं के स्नान और ध्यान का कार्यक्रम चलता रहा। वहीं मंदिरों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। ऋषि पंचमी का शुभ दिन सप्त ऋषियों को समर्पित माना गया है, जिसमें सप्त ऋषियों के पूजन सहित महिलाओं से अनजाने में हुई त्रुटियों से मुक्ति पाने के लिए व्रत स्नान और ध्यान की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस अवसर पर ताप्ती सरोवर में ऋषि पंचमी पर अन्य जिलों सहित महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु महिलाओं ने भी स्नान किया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित गणेश शंकर त्रिवेदी के द्वारा हवन पूजन और प्रसादी वितरण कर महिलाओं को सप्त ऋषि के संबंध में महत्व बताए गए। मुलताई ग्राम मासोद में मासोद वाटिका का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, प्रकाश व्यवस्था और फवारे के दिए निर्देश। ग्राम मासोद में पंचायत द्वारा तालाब का जीर्णोद्धार सहित केशव वाटिका का निर्माण किया गया है। इसका निरीक्षण करने के लिए शनिवार को कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस अचानक पहुंचे। कलेक्टर ने नल दमयंती तालाब और केशव वाटिका का निरीक्षण किया, साथ ही वाटिका में प्रकाश और फवारे लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तालाब के जीर्णोद्धार सहित साफ सफाई और केशव वाटिका की सुंदरता की सराहना भी की। ग्राम प्रधान भास्कर मगरदे ने बताया कि इसके पूर्व भी जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा तालाब और वाटिका का निरीक्षण किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत द्वारा सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। भैंसदई ग्राम सावलमेड़ा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौवंश से भरे वाहन को पकड़ा। भैंसदई में शनिवार को ग्राम सावलमेड़ा के पास गौवंश से भरे वाहन को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गौवंश से भरी एक गाड़ी की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौवंश से भरे इस वाहन को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की मदद से पकड़े गए इस वाहन में 6 गौवंशों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 8नेर थाना क्षेत्र के ग्राम गेहूं बारसा में कलेक्टर ने की जन सुनवाई, मौके पर हुआ शिकायतों का निराकरण। बैतूल जिले के क्लस्टर मुख्यालय गेहूं बारसा में कल शनिवार को आयोजित ग्राम संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई की गई और उनके द्वारा निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जहां कलेक्टर के द्वारा शिविर में पचधार के पंचायत और आंगनबाड़ी भवन परिसर में आनंदराव द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं जन सुनवाई के दौरान ग्राम नानकुंडी में नामांतरण बंटवारों के प्रकरण लंबित पाए जाने पर तहसीलदार को शिविर आयोजित कर 2 दिनों में समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। आठनेर नगर परिषद कार्यालय में कल नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। आठनेर नगर परिषद में कल 11 सितंबर को तकरीबन 10 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित जलकर संपत्ति कर के प्रकरणों का निपटारा किया गया। उक्त विषय की जानकारी देते हुए नगर परिषद के कर्मचारी गप्पार काजी और रुपेंद्र झरबड़े के द्वारा बताया गया कि जलकर संपत्ति कर जैसे लंबित प्रकरणों जो कि लगभग 300 से अधिक है, इनको सुलझाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आमला ग्राम सोमलापुर गांव में तेज बारिश होने के चलते एक किसान के गन्ने की 2 एकड़ की फसल हुई आड़ी। किसान की फसल खराब होने से हजारों का हुआ नुकसान। मामला आमले के सोमलापुर गांव का है, जहां पर तेज बारिश होने के चलते एक किसान की 2 एकड़ में लगी गन्ने की फसल खराब हो गई है। फसल खराब होने के
बाद अब किसान को अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। किसान मधुर बिहारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमलापुर गांव में तेज बारिश होने के चलते 2 एकड़ में लगे गन्ने की फसल आड़ी हो गई है, जिससे हजारों रुपए का उसे आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी सूचना पटवारी को दे दी गई है, परंतु अभी तक पटवारी के द्वारा फसल का सर्वे करने के लिए वहां नहीं पहुंचा गया है। किसान ने प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की गुहार लगाई है। आमला, महिलाओं द्वारा मनाया गया ऋषि पंचमी का त्यौहार, की गई सप्तऋषि की पूजा। आमला के भीमनगर में कल 11 सितंबर दिन शनिवार को ऋषि पंचमी के अवसर पर महिला श्रद्धालुओं द्वारा सप्तऋषि की पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि सप्तऋषियों ने समाज के उत्थान और कल्याण के लिए सहयोग प्रदान किया था, जिनके सम्मान में ऋषि पंचमी पर उन्हें पूजा जाता है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं द्वारा सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति और समृद्धि की कामना की पूर्ति के लिए व्रत रखा जाता है। इसी तारतम्य में कल आमले की महिला श्रद्धालुओं द्वारा सप्तऋषि की पूजा अर्चना की गई और अनजाने में हुई त्रुटियों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखे गए। सारनी नगर पालिका में शनिवार को आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत, करों के अधिभार में दी गई छूट। सारनी के नगर पालिका कार्यालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के प्रकरणों में अधिभार में नियमानुसार छूट प्रदान की गई। स्थानीय नगर पालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शासन के द्वारा संपत्ति कर, अधिभार और जल उपभोक्ता प्रभार में नियमानुसार छूट प्रदान की गई। घोड़ा डोंगरी, सानी नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने बढ़ते मच्छरों की रोकथाम और साफ सफाई की मांग को लेकर सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। सारनी में कल आम आदमी पार्टी ने स्थानीय नगर पालिका पहुंचकर बढ़ते मच्छरों के प्रकोप और साफ सफाई की मांग को लेकर नगर पालिका परिषद के सीएमओ सीके मेश्राम को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी आदित्य खातेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सारनी नगर पालिका के सभी वार्डों में साफ सफाई नहीं होने के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसी के संबंध में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया है और नगर में साफ सफाई की मांग की गई है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। घोड़ाडोंगरी शासकीय उचित मूल्य दुकान में शनिवार को लगाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन का शिविर। घोड़ाडोंगरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में शनिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए आवेदन जमा किए गए। उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन समीर पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 7 आवेदन शनिवार को प्राप्त हुए। भीमपुर ग्रामीण अंचलों में भी गणेश उत्सव की धूम। पाठ ग्राम में आस्था और उत्साह के साथ ग्रामीण मना रहे हैं गणेश उत्सव। भीमपुर ब्लॉक के आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में गणेश उत्सव ग्रामीण परंपरा के अनुसार उत्साह और शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। पाटग्राम के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में समितियों के माध्यम से गणेश उत्सव प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने के बाद पूजन अर्चन का सिलसिला जारी है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।